अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज डन इन द फॉर्म ऑफ. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. आपको पता होगा इंडिया में एसी सप्लाई होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर. 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी और यह है वोल्टेज. 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई होती है इंडिया में. कुछ देशों में जैसे जापान में या यूएस में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की पावर सप्लाई होती है. तो दोनों में फर्क क्या है? यहां तो हमसे सिर्फ यही पूछा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इन दोनों में फर्क क्या है? तो यहां हम देख रहे हैं वोल्टेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 110. वोल्टेज बढ़ा लेने से डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस कम होता है. तो 220 वोल्ट पर सप्लाई करने से एक फायदा हो रहा है, एनर्जी लॉस कम हो गया. पर फ्रीक्वेंसी को हम कंपेयर करें तो भी एक फायदा है. 60 हर्ट्ज पर यदि हम प्रोड्यूस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रोडक्शन की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो 50 हर्ट्ज पर प्रोड्यूस करने से और 220 वोल्ट पर सप्लाई करने से, डिस्ट्रीब्यूट करने से एनर्जी लॉस और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है. पर यहाँ एक नुकसान है, वह है सेफ्टी. इसमें से ज़्यादा सेफर है 110 वोल्ट. 220 वोल्ट पर यदि सप्लाई करेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में डेंजरस है, क्योंकि इसमें हमें इंसुलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा. क्योंकि 110 वोल्ट का शॉक या 220 वोल्ट का शॉक, इसमें से ये ज़्यादा इंटेंस होगा. तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर सप्लाई करने से दो फायदे होते हैं. प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है और एनर्जी लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूशन में कम होते हैं. पर ये डेंजरस है इन कंपैरिजन टू 110 वोल्ट. तो हमें याद रखना है कि इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई होती है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फ्यूज इज रेटेड मार्क्ड एज 16 एम्पियर, इट मींस इट विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस देन 16 एम्पियर, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, विल वर्क इफ टेम्परेचर इज मोर देन 16 डिग्री सेल्सियस, will be blown break if current exceeds 16 ampere. तो हमको पता है ये सेफ्टी फ्यूज टिन लेड अलॉय का एक वायर होता है. टिन लेड अलॉय का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. और यदि उस सेफ्टी फ्यूज की रेटिंग या उसके ऊपर जो मार्क्ड वैल्यू है वो है 16 ampere, तो इसका क्या मतलब है कि इस वायर से जब तक 16 ampere से कम का करंट लो होगा तब तक तो ये मेल्ट नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा. पर यदि उसमें से बहने वाला करंट 16 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा, इफ इट एक्सीड्स 16 एम्पियर, तब ये सेफ्टी फ्यूज या ये लेड टिन अलॉय का वायर ब्लो हो जाएगा, मतलब मेल्ट या ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह वो सर्किट को सेफ बनाए रखेगा. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फ्यूज इज रेटेड एज 16 एम्पियर, इट मीन्स इट विल बी ब्लोन इफ करंट एक्सीड्स 16 एम्पियर. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one among the following is the correct order of power consumption for light of equal intensity? तो चार devices दे रखी हैं. एक है CFL. CFL आप जानते होंगे, compact fluorescent light, fluorescent tube, incandescent bulb और LED light emitting diode, जो remote वगैरह में छोटा सा bulb दिखाई देता है red color का, वो LED. फिर incandescent bulb मतलब वो जो yellow bulbs पहले आया करते थे. fluorescent tube मतलब tube light. और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट हमने देखी हुई है और ये जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट होगा. सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किस में होता है? वो होता है इनकैंडेसेंट बल्ब में. उतनी ही रोशनी हमको किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब से मिल जाती है जिसकी पावर कम है. तो सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है इनकैंडेसेंट बल्ब में, उसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब, फिर CFL और सबसे कम LED में. तो ये पावर कंजम्पशन का असेंडिंग ऑर्डर है. सबसे कम एलईडी में, उसके बाद CFL, फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब और फिर इनकैंडेसेंट बल्ब. इनकैंडेसेंट का मतलब उसका फिलामेंट, उसमें एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, जब वो बहुत गर्म हो जाता है तो अपने में से लाइट इमिट करने लगता है. तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इनकैंडेसेंट बल्ब में और सबसे कम लाइट इमिटिंग डायोड में. तो अभी अगला क्वेश्चन. A current I flows through a potential difference V in an electrical circuit containing a resistance R. The product of V and I, therefore VI, may be understood as. हमको बताना है ये क्वांटिटी VI क्या है, रेजिस्टेंस है क्या? तो ये तो इनकरेक्ट है. हीट जनरेटेड, थर्मल पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें से ये दो ऑप्शंस तो रूल आउट कर सकते हैं आप. आपको डायरेक्टली वैसे तो याद आ गया होगा
कि हीट प्रोड्यूस्ड होती है वीआईटी और इसलिए पार डीसी पार वो टाइम से डिवाइड करने से तो वो होगी वीआई। तो इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्मल पार मतलब हीट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, मतलब ही थर्मल पावर रेडिएटेड बाय द सर्किट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। मान लो दिक्कत आती हो, ये भूलते हो फॉर्मूला, तो आप वी को क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज, और करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये क्यू कैंसिल आउट होकर वर्क डन अपॉन टाइम, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वी आई कुछ और नहीं बल्कि पावर है, यानी थर्मल पावर रेडिएटेड बाय द सर्किट इज द करेक्ट आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ डिफाइंस रेजिस्टेंस करंट ओनली वोल्टेज ओनली बोथ करंट एंड वोल्टेज। तो डेफिनेशन क्या है रेजिस्टेंस की, आर बराबर होता है वी बाई आई, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन करंट, यानी ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करता, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, वोल्टेज जो हमने उसके अक्रॉस लगाया अपॉन उसमें से बहने वाला करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर का यदि टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन सम फिजिकल conditions like temperature, mechanical strain of a conductor remains constant, तब ये R constant हो जाता है, मतलब V is proportional to I या I is proportional to V, यानि Ohm's law current और voltage दोनों को define करता है, voltage यदि हम double कर देंगे तो current double हो जाएगा, voltage आधा कर दें तो current आधा हो जाएगा, मतलब इनके बीच relationship बताता है Ohm's law। If physical conditions like temperature, mechanical strain, etc. remains constant, then resistance of a conductor is also constant. In other words, I is proportional to V. And इस question का answer होगा D, both current and voltage. गलती से इसे हमें tick नहीं करना है. Ohm's law resistance को define नहीं करता, बल्कि वो current और voltage के बारे में बतलाता है. अभी next question करेंगे. An electric heater is rated 1500 watt. Electric power costs rupees 2 kilowatt hour. Then cost of power for 10 hour running of the heater is. तो ये 1 kilowatt hour के लिए खर्च दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 2 rupees. 1 unit के लिए या 1 kilowatt hour के लिए. हमको बताना है कि इस हीटर को जब 10 घंटे तक रन करेंगे तो cost of power कितनी होगी. तो पहले हमें निकालना होगी number of units. Number of units के लिए हम पहले भी formula एक decide कर चुके हैं. N बराबर वॉट इंटू आर अपॉन 1000, मतलब उस अप्लायंस की पावर यहाँ वॉट में रखनी है, 1000 से डिवाइड करने पर वो अपने आप किलो वॉट में बदल जाता है, और इंटू आर मतलब किलो वॉट आर यानी यूनिट्स। तो वॉट कितना दे रखा है 1500, आर दिए हैं 10 अपॉन 1000, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 15, और नंबर ऑफ यूनिट्स में इस रेट का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनटू 2 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी 30, मतलब कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वो जो रेट है, और रेट कितना दे रखा है रुपीज 2, तो रुपीज 2 दे रखा है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 30 rupees, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हेन लॉन्ग ड्राई हेयर इज ब्रश्ड द स्ट्रैंड्स ऑफन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज़ व्हाइल ब्रशिंग एयर बीइंग ब्लोन थ्रू द स्ट्रैंड्स Static electric charges are being induced on the hair. Mechanical energy is being transferred into heat energy. The gravitational attraction among the strands becomes smaller. तो आपको देखते ही से इसका आंसर मालूम होगा। Static electric charges are being induced on the hair. होता क्या है? Generally comb होता है plastic का। तो जब किसी plastic comb को dry hair से rub करते हैं, तो क्या होता है? Dry hair से rub करने पर hair के electrons किस में चले जाते हैं? इस plastic comb में। इस तरह हेयर हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और क्योंकि पास पास दो बालों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनमें होगा रिपल्शन, और इसलिए वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्या बोला मैंने, प्लास्टिक कोम को जब ड्राई हेयर से रब करेंगे तो दोनों पर चार्ज आ जाता है, बालों पर पॉजिटिव चार्ज और इस कोम पर नेगेटिव चार्ज, और इन बालों पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसलिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इसका आंसर है बी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस आर बीइंग इंड्यूस्ड ऑन द हेयर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन द सर्किट गिवन अबव। ये वोल्ट मीटर है और इसकी रीडिंग हमको बतानी है। ऑल रेजिस्टेंसेज आर इक्वल टू 1 ओम एंड बैटरी इज 1.5 वोल्ट। ये वो बैटरी
और ये तीन रेजिस्टर्स, हम इसे रिड्यूस करेंगे इस फिगर को, ये 1 ओम रेजिस्टर जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज बताना है, ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, एक एक ओम के दो पैरेलल में, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ ये बैटरी लगी हुई है 1.5 वोल्ट की। अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 ओम, और वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट, और इसलिए करंट कितना होगा इस सर्किट में, तो करंट होगा 1 एम्पियर के बराबर। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो वोल्टेज कितना होगा IR के बराबर, 1 एम्पियर × 1 ओम विल बी 1 वोल्ट, और इसलिए ये वोल्ट मीटर रीड करेगा 1 वोल्ट के बराबर। आंसर सी इज करेक्ट। मान लो ये वोल्ट मीटर यहां लगा होता सपोज, तो क्या होता, ये 1 एम्पियर का करंट आता और ये इनमें इक्वली डिवाइड होता, हाफ इसमें से हाफ इसमें से, तो 0.5 वोल्ट यहां आता वोल्टेज, तो यहां 1 और यहां 0.5, तो टोटल हो जाएगा 1.5 वोल्ट। हाल फिलहाल हमसे पूछा हुआ था इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो वो कितना है 1 वोल्ट के बराबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।